हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट लेयर्ड आइसक्रीम की एक रेसिपी। यह आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 600 मिलीलीटर फुल फैट मिल्क। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको दूध गाढ़ा ही लेना है। अब इस दूध के अंदर हम डालेंगे ये 3 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से इसका टेक्स्चर बिल्कुल मावे जैसा आएगा आइसक्रीम का। 3 चम्मच फुल भर के आपको मिल्क पाउडर लेना है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 चम्मच चीनी। यहाँ पर मैंने 600 मिलीलीटर गाढ़ा दूध लिया है और 6 चम्मच यहाँ पर चीनी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको चीनी थोड़ी कम लगती है तो आप इसे टेस्ट करके थोड़ी और चीनी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये परफेक्ट रेशियो है, क्योंकि मिल्क पाउडर भी जो है वो थोड़ा मीठा ही होता है। अब हम सब इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसे विस्क करके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रहे कि इसमें किसी भी तरह का कोई लम्स ना रहे। ये देखिए, मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हम दूध को गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हमें दूध को पकाना है। हमें दूध में अच्छी तरह से 2 से 3 उबाल आने देना है। तब तक चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल ली है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। 1 चम्मच फुल भर के हमें कॉर्नफ्लोर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। ये दूध मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है, ये कच्चा दूध ही है। अब हमें इस कॉर्नफ्लोर को दूध के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे कि इसमें किसी भी तरह की कोई गुठली ना रहे, इसलिए हम लोग इसे बाहर ही अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे दूध में भी बहुत अच्छे से उबाल आ चुके हैं, लगभग 4 से 5 उबाल आ चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम जो है लो टू मीडियम ही रखना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालते से ही आपका दूध जो है वो तले में बैठने लगता है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। अगर हाई करते हैं तो आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए रहें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम ही किया हुआ है। अब हमें दूध को तब तक पकाना है जब तक कि हमारा दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए, 10 मिनट बाद ही आप देखेंगे कॉर्नफ्लोर डालने के बाद कि हमारा दूध पहले से काफ़ी ठीक हो चुका है। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी थिकनेस, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। और गैस बंद करने के बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर आने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो हमें उस हिसाब से गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। ये देखिए, हमारा दूध ठंडा हो चुका है, ये रूम टेम्परेचर आ चुका है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ये पहले से और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है आइसक्रीम बनाने के लिए। अब हम इस दूध को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चम्मच से हिला लेंगे। उसके बाद हम इसे ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैं इसे ग्लास में इसलिए ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि डिस्पोजल में डालने में या फिर छोटी ग्लास में डालने में हमें आसानी हो। अब मेरे पास थोड़ा सा और मिक्सचर बचा हुआ है, थोड़ा सा और दूध बचा हुआ है, मैं उसकी अलग से आइसक्रीम बनाऊँगी। अब आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 पेपर डिस्पोजल लिए, जो चाय के डिस्पोजल होते हैं छोटे वाले वो। अगर आपके पास छोटे आइसक्रीम मोल्ड्स है तो आप उनका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क इन 8 ही डिस्पोजल के अंदर डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर छोटे पेपर डिस्पोजल इसलिए लिए हैं कि जब आप इसे चॉकलेट लेयर से कोट करेंगे तो वो इजीली और अच्छे से हो जाए। ये देखिए, मैंने सारे डिस्पोजल को फिल कर लिया है। अब मेरे पास ये थोड़ा सा मिक्सचर और बचा है जिसके लिए मैं अलग से आइसक्रीम जमाऊँगी। 1 बड़ी ग्लास में हमारी ये 8 आइसक्रीम बनकर रेडी होगी। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर लिया है जिसको मैंने इस तरह से स्क्वायर कट कर लिया है। छोटे छोटे ऐसे 8 टुकड़े हमें कर लेने हैं, जो कि ग्लास के ऊपर डिस्पोजल के ऊपर अच्छे से आ सके, डिस्पोजल को अच्छे से कवर कर सके ऊपर से। इसके ऊपर आप चाहो तो रबर बैंड भी लगा सकते हो। देखिए, इसी तरह से हम सारे डिस्पोजल को कवर कर लेंगे फॉइल पेपर से। ये देखिए, मैंने सारे डिस्पोजल को फॉइल पेपर से कवर कर लिया है। अब मैं इस तरह से नाइफ की हेल्प से इसको अच्छे से पकड़ते हुए बिल्कुल सेंटर में छोटा सा कट लगाऊंगी। आपको कट बहुत ध्यान से लगाना है, फॉइल पेपर को पकड़ के रखना है, अदरवाइज हमारा फॉइल पेपर जो है वो अंदर गिर जाएगा डिस्पोजल के अंदर। अब मेरे पास यहाँ पर आइसक्रीम मोल्ड की प्लास्टिक की स्टिक्स हैं, मैं उनका यूज़ कर रही हूँ।
अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर वुडन आइसक्रीम की जो स्टिक्स आती है रेडीमेड मार्केट में, उनका यूज़ कर सकते हैं। वो बड़ी ही इजीली मार्केट में मिल जाती है। इस तरह से आपको बीच में छोटा छोटा नाइफ या से कट लगाते जाना है और सारी डिस्पोजल के ऊपर इस तरह से स्टिक को लगा देना है सेंटर में। ये देखिए मैंने सारी डिस्पोजल के ऊपर स्टिक्स लगा दी है, ये भी बहुत प्यारी कलरफुल लग रही है। अब हम इसे रात भर डीप फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए अब अगले दिन टाइम हो गया है हमारे आइसक्रीम को डीप फ्रिज से निकालने का। उससे पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है, मूंगफली के दाने लिए जिसको कि मैंने रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद हमें उसके छिलके उतार लेना है और थोड़ा मोटा दरदरा सा कूट लेना है इसे। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेल्टेड चॉकलेट ली है, ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। मैंने कल रेसिपी बनाई थी कोई, उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली थी, वही चॉकलेट जो है मैं आज दोबारा यूज़ कर रही हूँ। अब ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध लिया है। ये बहुत ही गर्म उबलता हुआ दूध है, ये डालने से हमारी चॉकलेट जो है वापस लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाती है, थोड़ी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो जाती है। अगर आपको नए सिरे से डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करना है तो मेल्ट करने के लगभग 2 घंटे पहले आप जैसे चॉकलेट को बाहर निकाल के रख दें और उसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लें। उसके बाद एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दें अच्छे से बॉयल होने के लिए। उसके ऊपर आप दूसरा बर्तन रखें और उसके अंदर चॉकलेट को रख दें और ध्यान रहे कि वो चॉकलेट वाला बर्तन नीचे वाले बर्तन के पानी को टच ना करें। बस हिलाते रहिए कंटिन्यू और मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ही आपकी चॉकलेट जो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं सारे रोस्टेड पीनट्स। अब हम इसे इस कप में जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे। कप में इसलिए ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी ग्लास का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, जिससे कि मुझे इसके अंदर आइसक्रीम को डिप करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक थोड़ा चौड़ा बर्तन लिया, चौड़ा कप लिया है थोड़ा। अब ये देखिए मैंने आइसक्रीम को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी में नॉर्मल पानी लिया है। अब इसके अंदर हम आइसक्रीम को रखेंगे लगभग 4 से 5 सेकंड के लिए और पीछे हल्के हाथ से इसे टैप करेंगे और आगे हल्का सा आइसक्रीम की डंडी को पकड़कर थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। आप देखेंगे कि बहुत ही इजीली हमारी आइसक्रीम जो है बाहर निकल कर आ जाएगी। वाओ, आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम का टेक्स्चर, ये कितनी प्यारी, कितनी स्मूथ लग रही है, कितनी क्रीमी लग रही है। अब हम फटाफट से इसे इस सिरप के अंदर जो है डिप करेंगे इस तरह से। हमें बहुत फास्ट करना है ये काम वरना हमारी आइसक्रीम जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट होने लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अब हम फटाफट से दूसरी आइसक्रीम लेंगे और सबसे पहले हम उसका फॉइल पेपर हटाएंगे। देखिए इस तरह से हमें जल्दी से फॉइल पेपर को हटा देना है। उसके बाद दोबारा से हमें कुछ सेकेंड के लिए इसे कटोरी के अंदर पानी के अंदर डिप करना है और बहुत हल्के हाथ से ट्विस्ट करते हुए हल्का सा टैप करते हुए इसे बाहर निकाल लेना है। वाओ, हमारी आइसक्रीम इतनी अच्छी बनकर रेडी हुई है कि इसे ऐसे ही खाने का मन कर रहा है, लेकिन फिर भी हम फटाफट इस तरह से 2-3 आइसक्रीम को चॉकलेट सिरप के अंदर डिप करेंगे। ये भी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद हम इसे दोबारा फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए मैंने उन आइसक्रीम्स को फ्रिज में घंटे भर सेट होने के लिए रख दिया है क्योंकि वो मेल्ट हो रही थी। बस उसी तरह से हम लोग सारी आइसक्रीम्स को इस तरह से चॉकलेट लेयर में कोट कर लेंगे। अगर हम सारी आइसक्रीम्स को एक साथ चॉकलेट सिरप के अंदर कोट करके उसके बाद फ्रिज में घंटे 2 घंटे सेट होने के लिए रखते हैं तब तक बाकी की सारी आइसक्रीम मेल्ट हो चुकी होती है। इसलिए आप इन सारी आइसक्रीम्स को एक साथ कोट ना करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज लाती रहूँगी। आपको मेरे हर रेसिपीज़ की इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।